एलिगेटर गार के ऊपर हमारी एक अलग सी वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी तो मुझे आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स किए थे। तो ठीक है, तो अभी हमें भाई है ना सारा का सारा अभी इसका जो डिटेल वगैरह है अभी सारा का सारा हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, हमने एक शॉर्ट्स अपलोड की थी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, मतलब 10 मिलियन के ऊपर गई। ठीक है, 10 मिलियन उसने अभी क्रॉस कर दिया। तो यार मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट्स में एक क्वेश्चन किया कि भाई आपकी जो एलिगेटर कार है वो उसकी केयर वगैरह आप अच्छे से नहीं करते वगैरह। तो ठीक है, तो आज इसकी वजह से मैं अभी आ गया हूँ कुर्ला फिश मार्केट, जो कि हमारे अरिफ भाई को सारे वगैरह भी क्लियर करने हमें, और यहाँ पे बेबी एलिगेटर गार्स भी है जो कि छोटे साइज में भी हमें अरिफ भाई सारे डाउट्स वगैरह आपके क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं कमेंट्स में वगैरह जो भाइयों ने मुझे बोला है कि भाई उसकी केयर वगैरह बहुत सारे रिलेटेड वगैरह जो क्वेश्चन है हम अभी सब क्लियर करने वाले। तो ठीक है, तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे बहुत सारे भाई कमेंट्स करते हैं कि आपके एलिगेटर कार के साथ उसके साथ कोई पार्टनर वगैरह रखो, अकेला बोर हो जाता होगा, तो आप इसके बारे में क्या आंसर दोगे भाई? एक्चुअली जो पब्लिक ने जो कमेंट्स किए हैं कि पार्टनर रखना चाहिए, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई उसकी सिमिलर साइज़ का आपको एलिगेटर कार मिलना भी चाहिए, और वो साइज़ का लेने के लिए आपको कभी कभी क्या होता है कि आपस में भी फाइट कर लेते हैं। ये नहीं कि भाई मेरे पास एक मच्छी पड़ी है तो उसके अंदर मैं दूसरी ला के डाल दूंगा, तो ज़रूरी नहीं कि वो साथ में रहेगा। तो अच्छा है कि सिंगल ही बेस्ट है वो। अगर बचपन से अगर साथ में एग्जांपल ये सब बचपन से साथ में है, ये तीन मच्छी साथ में है और ये बड़े हो तक साथ में रहेगी तो फाइट नहीं करेगी। अगर मैं बाद में ला के डाला हूँ और भाई फ्लूप अगर फाइट करना चालू करे तो फिर एक मर जाएगा, या मेरा वाला मरेगा या ना वाला के डालेंगे वाला मर जाएगा। तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप सिंगल ही रख लो उसको। ओके, तो फीडिंग वगैरह का जो फीडिंग वगैरह इनको कब करनी चाहिए, 7 दिन में, हफ्ते में, कब करनी चाहिए, क्या हर रोज करनी चाहिए फीडिंग वगैरह? एक्चुअली अगर आपने मच्छी पाला है घर में, एग्जांपल मैंने भी मच्छी रखा शॉप के अंदर, तो मैं भी डेली फीडिंग करता हूँ। okay. आदमी है, इंसान है, कोई भी जानवर है, उसको डेली भूख लगेगी तो okay. आपको डेली फीडिंग करना जरूरी है। डेली उसको फीडिंग करना ही होगा एलिगेटर गार को। ओके, नहीं अभी मेरा जो एलिगेटर गार बड़ा है, ठीक है, तो मैं हफ्ते में क्या करता हूँ उसको एक ही बार में 250 ग्राम वगैरह में चिकन उसको दे देता हूँ, या कोई फिश वगैरह दे देता हूँ, वो 2-3 दिन फिर कुछ खाता ही नहीं है। एक्चुअली क्या आपने बोला बरोबर है, आप ओवर फीडिंग करते हो, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, जगह कम है उसकी। अच्छा, इसमें है वो जगह कम है तो उसका मूविंग नहीं हो रहा है, तो उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, पानी अच्छा नहीं हो रहा है, तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो हिसाब से वो लेट खा रहा है, बट 7 डेज ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर आप फीडिंग करना चाहते हो तो 2-3 दिन में भी ब्रेक करके भी कर सकते हो। ओके ओके ओके, 2-3 थोड़ा थोड़ा हमें देना है। ओके, लिमिट में कराओ ना, एक बार में ओवर फीडिंग करेंगे तो भी ज्यादा हो जाता है। ओके ओके ओके, तो ठीक है, हमारा ये डाउट अभी क्लियर हो गया। और अभी मुझे ये भी कहे थे कि बहुत सारे भाई कि आपकी जो टंकी है आपने ऊपर रखी है, जो कि गर्मी की वजह से आपकी पानी गर्म हो जाता होगा, तो ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअल भाई लोग आपने भी जो कमेंट्स किया है उसके ऊपर भी बोलूँगा मैं कि आप बोलते हो चलो ठीक है मैं टैंक रखा है बंदे ने घर में नहीं रखा है बाहर रखा है, अगर एग्जांपल ये आपको खुद को पता है कि तालाब का मच्छी है, नदी में मिलता है या तालाब में मिलता है ये मच्छी, तो अगर ये उस तालाब में नदी में तो क्या उधर पे सूरज की रोशनी नहीं आएगी या पानी गर्म नहीं होगा क्या? yes. उसका भी पानी गर्म होगा और वहाँ पे भी हीट होता है जैसा टैंक के अंदर गर्म हो रहा है, वो टैंक आपका प्लास्टिक है वो कवर करके रखा है बंदे ने, देखा मैंने वो भी वीडियो। yes. तो बट वो क्या है कि गर्म तो पानी हो गया, वो जरूरी है पानी गर्म हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, और वो टंकी का जो लेयर है वो 4 से 5 लेयर का टंकी हो तो उसका पानी इतना गर्म भी नहीं होता, ऊपर से तो मैंने लकड़ी का प्लाईवुड वगैरह ढका है। नॉर्मल आपने फिश टैंक अगर ऊपर रखा है वो भी गर्म ही होगा, कांच का है तो भी, वो तो प्लास्टिक गर्म होता, तो गर्म से उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट ठंडी से मच्छी को ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, गर्म से कोई दिक्कत नहीं था, ठंडी से ज्यादा दिक्कत है, ठंडी से व्हाइट स्पॉट वगैरह आना चालू हो जाता है, समर में प्रॉब्लम चालू होता है, ठंडी में फिर हीटर वगैरह लगाना पड़ता है। ओके ओके, से लोग बोलते हैं कि मुझे तालाब में वगैरह इसको छोड़ दो, आप इसे आज़ाद कर दो, आप इसे डैम में छोड़ दो, आप इसे रिवर में छोड़ दो, आप इसे समंदर में छोड़ दो, भाई क्या मतलब क्या है, ये सॉल्ट वाटर फिश है या मतलब कौन सी फिश है? और मुझे ये भाई भी कह रहे कि भाई आप इसे छोड़ दो, आप इसे मत रखो। एक्चुअल आपको जिसने बोला है कि भाई आप इसको ले जाके छोड़ दो, हाँ, उसके ऊपर क्या है कि अगर समंदर तो समंदर में नहीं रहेगी, नदी की मच्छी है एक्चुअली। यस, ये जो पानी है मेरा टैंक का, हाँ, नदी का पानी नॉर्मल अपना टैप वाटर है, तालाब से आता हम लोग के मुंबई में, okay. और नदी के पानी में रहता ही है, तो मीठे पानी की मच्छी है ये, तो आप उसको समंदर में नहीं छोड़ सकते। सेकेंड, भाई ने बोले कि भाई उसको छोड़ दो ले जाकर,
तो वो छोड़ने वाली बात ये है कि भाई अगर आप उसको तालाब में छोड़ते हो या फिर वहाँ पे तालाब में उससे बड़ी मच्छी रहेगी तो उसको मारेगी, yes, अगर छोटी मच्छी है तो इसको खा लेगी, अगर इन फ्यूचर में कोई तालाब में नहाने के लिए चले जाता है yes, yes. तो ये मच्छी उस पर भी अटैक कर सकती है, राइट राइट, और थोड़ा हम इकोसिस्टम को भी धोखा पहुंच सकता है इसकी वजह से। ज्यादा करके आपने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी मच्छी जो मॉन्स्टर में है बहुत कम पाई जाती है, कोई भी नदी में कोई भी तालाब में, अगर जहाँ पे इंसान नहीं जाता है तो वहाँ पे मगरमच्छ वगैरह मिलेगा, बट क्या है मगरमच्छ वगैरह ने अगर इसको निगल लिया या फिर क्या होता है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं अरवाना बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, छोड़ देते हैं। Okay. जरूरी नहीं है कि आपका अरवाना उसके अंदर रह के जिंदा ही रहेगा, हाँ है ना, अगर आपके पास बाउली है आप उसमें छोड़े तो कुछ नहीं लगता है, मिनिमम हाँ। अरवाना का साइज कितना जाएगा, 3 फुट 4 फुट जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा, यस यस, बट एलिगेटर का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, मैंने देखा भी हो 7 फीट से भी ज्यादा। हाँ, और एक फोर्थ क्वेश्चन है कि हमने उसको बड़ी टंकी में रखा है, ठीक है, तो मुझे अभी बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आए कि आप उसे कम जगह पे रखते हो, तो उसकी उसके लिए क्या करना चाहिए अपने लिए? एक्चुअली देखो जितनी बड़ी जगह मिलेगी उतना बड़ा उसका साइज ग्रोथ होगा, अगर कम जगह में है तो उसकी ग्रोथ कम रहेगी और okay. उतने में ही वो अपनी साइज को मतलब रुका देगा, जैसे एग्जांपल हाँ. आपने टाकी के अंदर शार्क पाल रखा है, बहुत से लोग देखेंगे हाँ, एक हाँ. स्टंट हो जाती है, मतलब उनकी साइज रुक जाती है, तो वो हिसाब से वो छोटी जगह में रहेगा तो उसकी साइज उतनी पर्टिकुलर उतनी ही रहेगी yes, और yes. बाद में आप उसको उसके मरते दम तक आप उसको पाल सकते हो yes. आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको उसको खिलाने से प्रॉब्लम नहीं है हाँ, हाँ. आपको उसको पालने से प्रॉब्लम नहीं है तो दुनिया उसको छोड़ने के पीछे पड़ी है, तो ये तो गलत बात। यस यस, तो मैंने तो उसको बचपन से पाला है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं यार उससे, ठीक है, मैं तो मतलब आज तक उसने मेरे पे अटैक नहीं किया। अभी ये भी मुझे कमेंट्स आए कि भाई आपके एलिगेटर गार वो बड़ी होगी आपको ही खा लेगी, आपका उंगली वगैरह तोड़ लेगी, तो ये सच होता है भाई? नहीं, आज तक तो इतना मैटर नहीं है, मैंने भी दुकान पर मेरे भी दुकान पे 1.5 फीट तक का मैंने एलिगेटर गार नहीं काटा है, बैठा था मैंने रखा, तो मुझे तो आज तक कभी काटा नहीं क्योंकि मैं तो 25 साल से इस लाइन में हूँ। अच्छा, तो क्या है स्टंट हो जाता है, साइज टाइम में रखेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने मच्छी पाला है तो आप इसको इजीली पाल सकते हैं, आपकी अगर देखो क्या रहता है, मैं एक सबसे पहली बात बोलूंगा उसकी जो रोजी और जो उसके रिज़क है ना उसका जो खाना वो इंसान नहीं खिलाता है, उसको भगवान देता है, उसके नसीब का उसको मिलेगा, क्या औकात है किसी को खिलाने की। यस यस यस, वो भी, और ये भी कही थी कि आप ग्लास एक्वेरियम में रख दो, वहाँ से निकाल लो, आपका जो वाटर है वो बहुत गंदा हो गया है, ये हो गया है, आप फिल्ट्रेशन वगैरह, तो एलिगेटर गार को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ग्लास में रखना ज़रूरी? इतना ज़रूरी नहीं, तालाब के अंदर है बट ऑक्सीजन लगाए तो इट्स ओके चलता है, हाँ। पानी आप चेंज करते रहिए, पानी चेंज करना ज़रूरी है, ओके, फीडिंग के वजह से भी प्रॉब्लम आता है, टॉयलेट वगैरह के वजह से भी प्रॉब्लम आता है। ओके ओके, मतलब उसे टैंक में, ग्लास के टैंक में रखना कोई जरूरी नहीं है, ग्लास टैंक में रखेंगे तो क्या होगा कि उसकी साइज ज्यादा बड़ी है, बड़ी टैंक आपका फोड़ने के चांसेस। यस यस, मेरा वही हुआ था तो मैंने इसलिए उसको बड़ी टंकी ले ली, मुझे पता था क्योंकि मेरा टैंक उसने लीक कर दिया था, बड़ा 4 फुट का, भाई मेरे पास भी 2.5 फीट का जब आया था उस टाइम पे तो एक टाकी ग्लास किया था 4 फीट की, तो उसके बाद फिर मैं 8 mm से ज्यादा ग्लास नहीं रहेगा हम लोग का, तो वो टाकी फोड़ा था, तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको किधर भी पाल सकते, आपको पालना है, आपके दिल में है कि वो चीज मुझे रखना है तो आप उसको कैसा भी रख सकते, आप क्या मानते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम खिलाए, अच्छे से उसकी परवरिश करें बस। ओके ओके, और यार मतलब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, तो यार हम एलिगेटर गार मतलब जो मॉन्स्टर फिश वगैरह होती हो तो वो पालना छोड़ दे यार, ठीक है, तो यार अभी तो मुझे वही लगता है क्योंकि यार मुझे इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स आए कि यार अभी ऐसा मन करता है ना भाई हमारे एलिगेटर गार को भाई अभी कहीं और मेरे दोस्त के यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है, ऐसा अभी मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि भाई आप इसे छोड़ दो, आप इसे नहीं पाल सकते, तो यार क्या कर रहे भाई अभी इसके ऊपर? एक्चुअल देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मॉन्स्टर फिश पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए आदमी पे डिपेंड होता है, आदमी के पास जगह कितनी है, yes. जगह उसके पास अच्छी है, वो कैपेबल है कि मच्छी पाल सकता है तो yes. मॉन्स्टर फिश रख सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री में आप लोगों ने देखा रहेगा 8-8 फुट के टैंक बना के रखे है, जगह ज्यादा है उन लोग के पास, 12-12, 19-19 mm के ग्लास बना के रखे, वो तो शो के लिए करते हैं, अपन भी पाल सकते हैं, अपन इंडियन तो क्या हुआ, बट अपन उसको रख सकते, जरूरी नहीं कि भाई किसी ने आपको बोल दिया कि उसको ये कर दे वो कर दे वो कर दे, तो आपकी मर्जी है, आप उसको किधर भी रख के पाल सकते हैं, आपको उसको खाना डालना है, आपको पालना है। यस, और एक क्वेश्चन है कि भाई अभी मेरा जो एलिगेटर गार है वो मेरे पास रखूँ, मतलब उसके लिए वो जगह अच्छी है या नहीं अच्छी है, आप अभी वो मुझे फाइनल बता दो। तो ये सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा, आप कितने साल से उसको एलिगेटर को उसके अंदर रखते हो आपने? मैंने तो अभी उसको करीबन 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब 4 साल में अगर वो तभी मरना रहता तो अभी तक मर जाता था। यस, पल रहा है ना उसके अंदर, हाँ, उसको जिंदा रखना चाह रहा है। यस यस, ऊपर वाला उसको बचाना चाह रहा है, तो भाई उसकी लाइफ ऐसी है तो चलने दो जैसा चल रहा है, और उसको प्रॉब्लम होता तो भाई वो मच्छी खुद ही मर जाता, उतनी गर्मी लगती उसको, 4 साल से उसने धूप देखा है, बारिश देखा है, ठंडी देखा है, वही जगह के अंदर, वही टैंक के अंदर, वही,
मतलब मैंने जब छोटा था ना तब मैंने उसको टैंक में बाला था, छोटा टैंक था उसके ना, हाँ टैंक मतलब इस साइज का लाया था मैंने, तो बड़ा होता होता गया तो मैंने उसको टंकी में शिफ्ट किया, बहुत जगह इधर उधर शिफ्ट किया मैंने, सारे वीडियोज हमने यूट्यूब पे डाले। तो आप उसकी जर्नी थी छोटे से स्टार्ट किया, जब उसकी साइज बढ़ी तो आपने वो हिसाब से टैंकी बना टाकी में डाला आपने, आपको बड़ा टैंक बनाना है, वो जगह जली जाती थी, कांच का बनाते तो ज्यादा गर्म होता हो, तो आप लोगों ने अगर वो टैंक भी यूज किया ठीक ही है ना भाई, मच्छी अगर आदमी टप में भी पालेगा ना मच्छी ऑक्सीजन लगा के वो भी जिंदा रहती है। आपने देखा रहेगा चेन्नई कलकत्ता के अंदर सीमेंट पॉन्ड बना के भी मच्छी पालते हैं, उसका पानी गर्म भी होता रहेगा, उसको भी बारिश लगती रहेगी, उनको भी ठंडी लगती रहेगी, वहाँ भी मच्छी पलती, तब उनको कोई नहीं बोलता है कि जाके भाई उसके अंदर उसको हटा दो। यार ये बात तो आपने सही बोली, वहाँ पे तो मैंने देखा यार बहुत बड़ी बड़ी फार्मिंग्स वगैरह होती है, होती है और वहाँ पे ब्रीड्स वगैरह वो सब करते हैं, राइट ओके। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर कर दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच और थैंक यू यार। एक बात और बोलना, हाँ बोल, लोग बोलेंगे उनका काम है मच्छी तुमको पालना है, तुम उनको खिला रहे हो, तुम उसको पाल रहे हो, तो लोगों को क्या सुनना है, आप मच्छी पालो अगर आपके पास है तो, आपको उसके ऊपर वीडियोस बनाना होता है तो आप इंडा मच्छी पाल सकते हो। तो अभी इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अभी मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो भाई अभी हमारी कलर वीडियोज वगैरह पैक करते हैं, ठीक है अभी हमें भी देर हो रही है यहाँ से निकलने में, अभी 300 किलोमीटर में से यहाँ पे से जाना है रिटर्न।